अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज़रे कुरान कोर्स की क्लास नंबर 3 में मैं आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, सौती तरीक़े तदरीस में अब तक हम दो हरफ मीम और बा पढ़ चुके हैं और तीसरा हरफ आज हम वाव पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि मीम पर जब जबर जेर और पेश आए तो उसकी आवाज होती है म मी मु, और दो जबरों के साथ इसकी आवाज होती है तनवीन के साथ मन मिन मुन, जज़्म के साथ इसकी आवाज है अम, और शत के साथ इसकी आवाज है अम, यानी यहां पर गुन्ना होगा, आवाज थोड़ी सी नाक में जाएगी। इसी तरह दूसरा अर्फ हमारे पास था ब, बा के ऊपर जब जबर जेर पेश आए तो उसकी आवाज होती है ब बी बू, तनवीन के साथ इसकी आवाज होगी बन बिन बुन, जज़्म के साथ इसकी आवाज होगी अब, यहां पर थोड़ा सा कलकला होगा यानी आवाज पलट कर आएगी अब इब उब, और शत के साथ इसकी आवाज रिपीट होगी यानी दो दफा पड़ जाएगी अब। इसी तरह ये दोनों हरफ निकलते हैं होंठों के दोनों हिस्से प्रेस करने से, तो दोनों होंठों को आपस में मिलाएंगे तो निकलेगा म ब। ये था हमारा गुज़श्ता सबक जो हमने कल और परसों पढ़ा था। आज हम तीसरा हरफ पढ़ रहे हैं वाओ, और ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि पूरा वाओ कुरान करीम में एक दफा भी इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हमेशा जबर जेर या पेश के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी आवाज वाओ नहीं होती बल्कि उसकी आवाज होती है वाह। आइए जरा इसका मखरज देखते हैं। दोनों होंठों को गोल करने से वाह अदा होता है, या फिर आप इसकी मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं जैसे आप उंगलियां बंद करते हैं और खोलते हैं, तो दोनों होंठ एक दफा गोल होंगे, बंद होकर खुलेंगे तो अदा होगा वाह वाह। शुरू में, दरमियान में और आखिर में वाव एक जैसा इस्तेमाल होता है। आइए जरा जबर जेर पेश के साथ वाव की प्रैक्टिस करते हैं। जब वाव पर जबर हो तो इसकी आवाज होगी वा, जब इसके नीचे जेर हो तो इसकी आवाज होगी वी, ये इंग्लिश के लेटर वी की तरह है, और वाव पर पेश हो तो उसकी आवाज होगी वु। दोबारा पढ़े जरा वा वी वु। इसी तरह तनवीन के साथ इसकी आवाज होगी वन विन वुन, इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। वाव के ऊपर जज़्म हो तो इसकी आवाज होगी औ औ, यानी होंठ पूरी तरह गोल होंगे। कुरान करीम में है औ हा, आमतौर पर लोग इसको औ हा पढ़ते हैं, यह हम इंशाल्लाह हा के मखरज में पढ़ेंगे, ये हा नहीं है बल्कि हा है औ हा। आप फिलहाल वाव की प्रैक्टिस कीजिए औ, जैसे औ है। आगे चलते हैं, वाव पर शद आ जाए तो वाव की आवाज दो दफा पड़ जाएगी यानी रिपीट होकर जाएगी, जैसे औवा औवा, जैसे कुरान करीम में है आलावा, और अगर लाम पर हम पेश लगाएं तो आलुवा। तो ये इसकी प्रैक्टिस है, जिस तरह इसके हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम इसको आसानी से पढ़ सकेंगे औवा औवा। तो ये था हमारा आज का सबक वाओ। तो कोशिश करें कि जितनी ज्यादा इन चारों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे पहले वाले जो दोनों हरफ हैं मीम और बा, इन दोनों की प्रैक्टिस करें, और उसके साथ साथ वाओ की भी अच्छी प्रैक्टिस करें, वा वी वु वन विन वुन औ और औवा। चलते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से यानी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, रसुल हिकमति महाफतल्लाह, अल्लाह का खौफ हिकमत का सरचश्मा है, यानी दानाई का सरचश्मा अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर है। हम जरा इस हदीस की मुख्तसर सी तशरीह देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इस फरमान से आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखना है कि हमें हर वक्त हर हाल में किससे डरना है? अल्लाह से डरना है, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना है। इसलिए कि इससे पहले हम फहमुल कुरान कोर्स में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह अकबर का मतलब तो है अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन हमने जहन में यह एहसास रखना है कि अल्लाह हमें देख रहा है। और अगर हम हर काम इस तरह करें कि अल्लाह ताला की हम नजरों में हों, अल्लाह ताला हम अल्लाह ताला के सामने हों, यानी हम यह ख्याल रखें कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर हमारे काम इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। तो हर काम में हमें अल्लाह का हुक्म और उसकी रजा को सामने रखना है। खसूसन आजकल शादी ब्याह के मामलात हैं, इसी तरह निकाह और तलाक के मामलात हैं, सियासत और अदालत के मामलात हैं, इसी तरह लेन देन के तनाजात और झगड़े हैं, नकद और उधार का मसला हो या खरीदो फरोख्त का, यानी कि दुनिया के तमाम मसाइल का हल अल्लाह ताला के फरामीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में हमें तलाश करना है। ये जो हम कहते हैं मेरा जी ये चाहता है, मेरी ये मर्जी है, तो ये जो अपनी मन चाही जिंदगी है, मन चाही जिंदगी को छोड़कर हमें कौन सी जिंदगी पर आना है? रब चाही पर। हर बात में ये देखना है कि मेरा रब क्या चाहता है, मेरा रब किन बातों से खुश होता है, किन कामों से खुश होता है, वो काम करने हैं, और जिन कामों से रब नाराज होता है, अल्लाह ताला नाराज होते हैं, वो काम हमें बिल्कुल नहीं करने। चाहे बरादरी कुछ भी कहे, चाहे लोग जो मर्जी कहें और रस्म और रवाज कोई भी हो, अगर ये सब अल्लाह के अहकामात के मुकाबले में आ रहे हैं तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी। बस हमें एक ही काम करना है कि अपने अल्लाह को राजी करना है, राजी रखना है। नाक कटती है तो कट जाए, लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म को पसे पुष्ट डाल दिया तो आखिरत की अदालत में उसके हां जवाबदेही के लिए हमें तैयार रहना होगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया में लोग अक्सर ये बहाना बनाते हैं, मेरी बिरादरी ऐसी है, रस्म और रवाज ऐसे हैं, लोग क्या कहेंगे, नाक कट जाएगी। ये सारी चीजें हमें शैतान की तरफ से दी जाती हैं। शैतान ये चाहता है कि लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लम के अहकामात को पसे पुष्ट डाल दें और रस्म और रवाज की पैरवी करें, बरादरी की पैरवी करें और अपने नाक का ख्याल रखें। अगर हमारे काम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ होंगे तो कल हम अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में, यानी अल्लाह ताला के अल्फाज में, जो बंदे मोमिन को नौ नसीहतें फरमाईं, उनमें से एक ये थी कि खुले और छुपे, यानी ऐलानिया और पोशीदा, हर हाल में अल्लाह का डर और खौफ अपने ऊपर तारी रखो। तो हमें कोशिश करनी है कि हर वक्त अल्लाह का खौफ अपने ऊपर तारी रखना है। इससे पहले वाली क्लास में हमने रमज़ान का एक शेड्यूल शेयर किया था और उसमें यह भी कहा था कि आप अपने मुताबिक कोई शेड्यूल बनाएं। अगर आपने इस रमज़ान का कोई शेड्यूल तैयार कर लिया है, यानी सुबह बेदारी से लेकर रात सोने तक आपके मामूलात क्या होंगे, तो आप उसे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास के बारे में कोई भी सवाल आपके जहन में आए सबक के मुतल्लिक, तो आप बिला झिझक पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। कल सुबह इसी सिलसिले की अगली क्लास होगी, यानी तीन हरफों के बाद हम चौथा हर्फ पढ़ेंगे। ज़रूर देखें, आगे भी शेयर करें। इसी तरह रोज़ाना शाम 4 बजे हमारी फहमे कुरान क्लास होती है, उसे देखना हरगिज मत भूलें। तब तक के लिए इजाज़त, कफारे मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.